We try to cover a few songs. Definitely, definitely. देख तो दिल की जांच उठता है ये धुआं कहां से उठता है देख तो दिल की जान से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है गौर किस दिल जले की है फलक क्या बात है सुरीला गा रहे हैं आप कितना सुर में गा रहे हैं आप सीरियसली अमेजिंग मजा आ गया थैंक यू सो मच क्या है तबला हारमोनियम के बिना थोड़ा मिजाज का इट्स नॉट इजी यू नो और मैं तो हारमोनियम एकदम बेसिक ही बजाती हूँ मैंने सोचा आज मैं चलो छोड़ो मैं तंपुरा के साथ ही गाती हूँ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे गुरु जी भी आ चुके हैं श्री सुनील सेठ जी वो भी आपको सुन रहे हैं पंजाब से ओह नमस्ते जी आई हैव स्पोकन विद हिम ऑन द फोन आई रिमेंबर आपने आई होप यू आर ऑल सेफ सभी बस आपको सुन रहे हैं अभी मजा ले रहे हैं क्या बात है मजा आ गया यार थैंक यू आपका नेक्स्ट इज योर टर्न योर टर्न मेरा तो मन करता है मैं आपको सुनता रहूं आज बस प्लीज सीरियसली मैं क्या गाऊं मैं वही सोच रहा हूं मीर साहब का थैंक यू पायस थैंक यू पृथ्वी पत्ता पत्ता आज मैं ना बाय चांस ही ये गजल सुन रहा हूँ सुबह से ही मेडिसन साहब की तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ये उनकी गजल तो ये लकीली ये मीर साहब की लिखी हुई है तो आज के इस पे हमारे कंसेप्ट में भी आ गई ये गजल हमारा जाने
ना बात है। हाल हमारा जाने 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 ना जाने गुल भी ना जाने बाहर तो सारा जाने बड़ी मुश्किल सी है, तो मैं ये देख देख के गाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम ही ये गजल आज मैंने अपनी लाइफ में गाई है, पहली बार गाई है ये गजल। ऐसे पहली बार गाए तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच भी नहीं सकती पहली बार। नहीं नहीं आप तो परफेक्शन वाले लोग, आप तो इतना रियाज करते, जो लोग रियाज करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सीरियसली। और आप इतना रियाज करते हो, आपके हस्बैंड और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सितारिस्ट पूर्वियन साहब, अभी वो भी लाइव है HCL कॉन्सर्ट्स का, यू नो, तो घर में दो दो लाइव चल रहा है। और आपको क्या चाहिए, म्यूजिक ही म्यूजिक बरस रहा है आपके घर में, बरस रहा होगा। अभी तो टाइम ही नहीं है, कुकिंग क्लीनिंग म्यूजिक ये साइकिल ही चल रहा है, फिर शाम को किसी ना किसी लाइव करते रहते हैं किसी। But thank you for singing this, yeah. It is one of my favorite ghazals. Actually, you made my day. Thank you so much. Thank you so much. Should we move on to Ghalib now? Ghalib ka wo jo bada mushkil si ek hai na ghazal, wo khisht wali wo. Kaun si hai? Ek bar aap se suni thi maine wo. Kaun si thi wo? Dil hi to hai na sang wo khisht. Dard se bhar na aaye kyun. Heart is not a stone. So, you know. रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों? I have all the right to cry whenever I want. Why should anyone bother me? तो बहुत बहुत sarcastic और इसमें और भी अच्छी चीज़ ये है कि साउथ इंडियन बंदा उर्दू का मतलब समझा रहा है। आप प्लीज मजाक मत उठाइए। नहीं नहीं I saw Zeesha Niyazi साहब commenting, you know, a poet हमारे बीच में है और मैं ये हिम्मत कर रही हूँ। फिर तो आज हमें उनका जो तसव्वुर है वो भी गाना ही पड़ेगा, अगर जीशान साहब भी आ गए हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि प्लीज ये आप दिल तो है गजल ये जरूर सुनाए प्लीज। तो ये गजल का बहुत सारे वर्शंस है। So this ghazal was composed by my Guruji. तो ये मैंने कभी लाइव में तो I've never sung this in a live concert. क्योंकि लाइव में क्या ही होता है, हमेशा वही लिस्ट ही वही जो लोगों ने सुनी हुई है वही सुना चाहिए। तो आज मौका मिला ये थोड़ा यू नो लाइव गाऊं, तो कोशिश प्लीज प्लीज इरशाद। तंपुरा का लेवल लाउड है या ठीक है?
ये सही है, सही है, बिल्कुल सही, सही है, परफेक्ट। संगों के इश्क दिल ही तो है, न संगों के इश्क दर्द से भरे ना आए क्यों, रोएंगे हम रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, डर नहीं हरम देर नहीं, देर नहीं, देर नहीं, देर नहीं, हरम नहीं, देर नहीं, आस ता देर नहीं, हरम नहीं, देर नहीं, आस ता नहीं, डर नहीं, आस ता नहीं, बैठे हैं रहे गुजरते हम, बैठे रहे गुजरते हम, गैर हमें उठाए क्यों, दिल तो है। अजान का वॉइस आ रहा है, कुछ बैकग्राउंड नॉइज। हाँ दिल कोरोना में ज्यादा ऊंची हो गया है, मेरे हेडफोन में आ रहा है और अलग सुर है, कुछ फिर भी दिल ही तो है, पानी जागा मा पगा मा दरे नी सा पा मा पगा, गामा बजा नी दा गामा पगा मा पगा मा दरे नी सा पमा पगा मारे सा, देही तो है न संगो फेश दर्द से भरना आए क्यों, देही बहुत अच्छी है। बेसिकली थैंक यू। नहीं बेसिकली इस गजल का वो राग इसका है कौन सा, ये धनी का कुछ आ रहा है इसमें है ना? Well, मुझे लगा कि मुझे मालूम नहीं कौन सा राग है, ज्यादातर भीमतला सी है लेकिन तीव्र मध्यम का इस्तेमाल किया है। हाँ। तो पानी सागर नी सानी दा बहुत अच्छा, पानी पामा मा पानी पामा, थोड़ा भीमतला मिक्स्ड विद तीव्र मध्यम ऐसा है और बहुत स्लो दादरा में है। थैंक यू जी, हमारी बीच हमारे बहुत मेरे एक प्यारे भाई हैं हरीश मणि जी, जब ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये भी सुन रहे हैं, टू सोलफुल गजल सिंगर्स इन वन फ्रेम, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं चाहूंगा कि वो फैज साहब को भी हम याद करें। हाँ जी,
फैज साहब की वो गजल आप बहुत अच्छा गाती हैं, गुलों में लेकिन रंग। अभी आप सुनाइए ना फैसा अच्छा पहले का मैं सुनो, मेरे को मेरा था फैसा अभी अभी हुआ। लोग तरस रहे हैं आपको सुनने के लिए। एक मैंने फैज साहब की गजल बनाई थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। राज़-ए-उल्फ़त वाह छुपा के देख क्या लिया, बात है। राज़-ए-उल्फ़त छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़-ए-उल्फ़त छुपा के देख क्या शेर है ये, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, क्या बात है। वाह वाह आपसे लगा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़-ए-उल्फ़त छुपा। इतना शेर है, वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, वो आपका मेरे होके भी ब्रेन मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया, राज़े उल्फत आपका छुपा के देख ब्रेन ना आपका ब्रेन का थोड़ा स्कैन करना चाहिए। ऐसे कॉम्लिकेटेड नोट्स इतनी आसानी से कैसे ब्रेन में असेंबल होता है, ये थोड़ा मुझे रिसर्च करना चाहिए। लिया। नहीं, बस सब सब अच्छे अच्छे लोगों का है, जो भी बड़े बड़े लोग हो चुके हैं इतने ज्यादा, उनको सुन सुन ट्रूली के। बट इट्स अ वंडरफुल कॉम्पोजिशन एंड ये मैंने सुना है। यू नो यू हैव संग इट फॉर मी घर पे या भी या जब आप आए थे सुनाया है, और आई थैंक यू। थिंक एट अशोक खोसला जी हाउस ऑल्सो यू हैड हाँ संग जी, इट। हाँ जी, एक ऐसे ही बार हम मैंने भी वहां पे भी इसको गाया था। आपको क्या लगता है, यू नो दिस इज अ क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट यू नो द प्रेजेंट गजल, जो यू नो गजल का मार्केट का जो कंडीशन है। हाँ जी, अभी मैंने गजल गेस एल्बम रिलीज किया, उसमें अहमद फराज जी का सुना है लोग, ये सब बहुत अच्छा था वो। किया था। लेकिन अभी भी जैसे यू नो द यंग सिंगर्स दे वांट टू एस्टेब्लिश इन द गजल गायकी जॉनरा, हमेशा आपको ऐसा लगा है कि प्रेशर है सिर्फ पॉपुलर नंबर्स गाने का है। आप खुद का गाना खुद का कॉम्पोजिशन गाने का मौका कम मिलता है, इसमें कभी कुछ सोचा है इनके बारे में कैसा ये अपना जो है ना, जैसे हरिहरन जी ने बनाया है, जैसे गुलाम अली जी ने बनाया है, कैसे हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। एक्सक्यूज माई बैड हिंदी बट आई एम ट्राइंग टू नहीं नहीं कम्युनिकेट इन बिल्कुल हिंदी। बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बट मैं तो इसका आंसर ऐसे ही दूंगा कि क्योंकि मैंने जब जब मैं गुलाम अली खान साहब से भी मैं जब
उनसे भी मिला हूँ या जो भी लोगों ने एक्सपीरियंसेस जब उन लोगों ने शेयर किए हैं अपने बड़े बड़े लोगों ने, तो उन लोगों ने ये मतलब मशहूर होने के लिए नहीं किया था, ये सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने लिए ही जस्ट ये शुरू किया। तो जैसे जैसे अपना म्यूजिक उन्होंने कर करके इतना पक्का कर लिया उन लोगों ने, फिर अपने आप ही लोग आते गए अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने के लिए rather, हाँ, तो ये, और अपने पैशन से मतलब, जो किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट मेरा इसमें ये है कि जैसे अभी आप हैं या क्योंकि काम ऐसे नहीं है कि ओरिजिनल काम हो नहीं रहा है, काफी लोग ओरिजिनल्स कर रहे हैं, लेकिन वो जो मेयार सेट हो चुका है ना ओरिजिनल्स का, जो लोगों के मन में बस चुका है, वो इतनी परफेक्शन, चाहे वो गाने में हो, चाहे चाहे वो कॉम्पोजिशन में हो, चाहे वो शायरी में हो, तो बट ये तो है, लेकिन हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं। अगर हम ऐसे सोचे तो फिर तानसेन के बाद किसी किसी को आना ही नहीं चाहिए था। तो हम लोग जो हैं, जो हमने सीखा है बुजुर्गों से, जो भी हमारे गजल के लेजेंड्स हैं, जो हमारे क्लासिकल के लेजेंड्स हैं, उनको सुन सुन के जो भी एक अपना संगीत डिवेलप हुआ है, हम लोग तो वही कोशिश कर सकते हैं उसको आगे लेके आए। बट ऐसा नहीं है कि बट लोग बहुत प्यार करते हैं, जैसे इस बार भी चाहे गजल बहार में भी आप देख रहे हो, आपने देखा होगा तो कितना मैंने तो कोशिश की थी कि मैं अपनी चीजें उसमें गाऊं, और आपने भी अपनी चीजें उसमें गाई थी जी, जी, तो जी, कितना जी. लोगों ने अप्रिशिएट किया था, तो ऐसा बहुत तो है जो भी किया। बहुत अप्रिशिएट किया था। तो बस यही है कि चक्कर मेरे ख्याल से है कि गजल के मतलब प्लेटफॉर्म्स नहीं है इतने ज्यादा जो जाके शुद्ध गजल सुनी जा सके, बट ये है जितना हम करते जाएंगे ऑडियंस बनती जाएगी। जी जी बट और अभी मुझे ये भी लगता है कि उर्दू जबान भी थोड़ा मुश्किल है आम लोगों के लिए, इसी शायरी भी थोड़ा लाना चाहिए, थोड़ा हल्का है। वो तो है। और वो और ये भी बात है कि गजल एज अ म्यूजिकल फॉर्म इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ म्यूजिक। इट्स नॉट एन इजी, इट्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट इज एक्चुअली मोर डिफिकल्ट देन क्लासिकल म्यूजिक। It is probably the equivalent of jazz music. It is very, very harmonically complicated, melodically complicated, definitely. Poetry-wise complicated and rhythm-wise also complicated. So naturally, वो takers भी कम ही होंगे ना। ऐसा 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 नहीं सोच सकते कि बॉलीवुड वाले क्राउड गजल में आएंगे, वो भी सोचने नहीं, की बात। वो तो सोचना ही नहीं है। हाँ जी जी, क्योंकि ऐसे है, क्योंकि गजल बेसिकली तो मैं यही सोचता हूँ, गजल तो एक मतलब एक ये मतलब पोएट्री है एक, है ना, तो हाँ। पोएट्री को जो गजल के लेजेंड्स उन्होंने इतना अच्छे से गाया है, तो वो एक ऐसे लगता है कि वो गजल म्यूजिक बन गया है, वो स्टैंडर्ड बन गया है, वो गजल का स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड। चुपके चुपके रात दिन, उसको चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद, मतलब हो तो ऐसे भी सकता है वो रहेगी, तो वो फिर भी गजल ही अगर बॉलीवुड में अगर वो करना हो, लेकिन कितना अच्छा किया है इन बड़े बड़े लेजेंड्स ने, गजल को एक म्यूजिक का भी रूप इन्होंने दे दिया है, एक स्टाइल को डिवेलप कर करके गा गा के एक गजल को एक म्यूजिक ही बना दिया इन्होंने। अगर ऐसा गाएंगे तो ही लगेगा कि गजल है, वरना अगर ऐसे गाएंगे तो वो गजल ही नहीं लगता, वैसे होती तो वो गजल ही है। बट सीरियसली आई एम सो वी आर सो ब्लेस्ड दैट हम उस एरा में बॉर्न हुए हैं जहाँ पे हम इन बड़े बड़े लेजेंड्स को हमने सुना है। तो भी नेक्स्ट गजल आप प्लीज सुनाए कोई अच्छी सी, फैज़ आपकी ही गुलों में रंग भरे, जो हाँ, सबकी हाँ। ही पसंदीदा गजलों में से एक है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं बात करनी, तस्वुर, लेकिन ये सब आज नहीं गा सकते क्योंकि आज हमने एक थीम बनाया है। हाँ। तो हम सोच रहे वो ही थीम पे स्टिक करेंगे, गालिब मीर और फैज़। तो झिंझोटी सरे मा पर मा पर क्या बात है।
गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओगी गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना स्वीट है। कफस उदास है यार रोज बासे, कुछ तो कहो कुछ तो कहो कुछ तो कहो कुछ तो कुछ तो कहो। कफस उदास है कुछ तो कहो, कहीं तो बेरे खुदा आज जिक्र यार चले, कहीं तो बेरे खुदा आज जिक्र जिक्र यार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। क्या बात है, क्या बात है, कितना सुरीला, मतलब मन कर रहे हैं बस आंखें बंद बंद हो जाए, इसलिए मैंने आज आज का डार्क अपना रखा हुआ है, मुझे बड़ा माहौल आ रहा है यहाँ पे म्यूजिक एटमॉस्फेयर और आपका इतना अच्छा गाना। लाइट, हाँ जी, लाइट बंद किया क्या, लाइट बंद किया क्या, बंद हुआ है, लाइट नहीं मैंने रखा हुआ आज, थोड़ा सा तो गजल सिर, के सिर चेहरे चेहरे पे लाइट। हाँ नहीं, तो अच्छा फ्रेम बनाया है एकदम, माहौल अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छा माहौल है, ब्लैक स्क्रीन, ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रोमा शूट के लिए बैठा है। मेरे तो ये वार्डरोब का बैकग्राउंड देखे सब लोग थक गए, हर वही लाइव में यही बैकग्राउंड। बेसिकली मेन चीज तो गाना है, सब लोग गाना सुन रहे हैं यहाँ पे और आपने इतना अच्छा गाया है, सीरियसली बहुत ही मजा आया। और एक मेरे भाई है यहाँ पे जय भटोआ जी, वो भी बहुत ही गजल को प्यार करते हैं, मतलब ऐसी कोई गजल नहीं है जो इनको आती नहीं है, इनको सब गजलें ना बाय हार्ट इनको याद है। राहुल लॉर्ड जी फ्रॉम लंदन इज सेइंग हाय गायू सुपर्ब, ही ऑर्गेनाइजेस कॉन्सर्ट्स देयर इन लंदन एंड ही इज वेरी एक्टिव इन द म्यूजिकल सीन। थैंक यू फयाजी, ये देखो लोग तो बोलने भी शुरू हो गए कि आपका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा मेरे से। Okay, Payal ji, Payal ji is from Smule. Okay, by the way, he just did an interview of mine and Purbains for the Smule. So he's quite active in the journalistic scene. Very nice. And love from Pakistan. बहुत सारे प्यार इंडिया से भी। आप लोग सब महफूज रहे, अपने आप का ख्याल रखिए। ख्याल रखिए, बिल्कुल। हमारे बीच बहुत ही हमारी प्यारी
नवनीत जी भी आ चुके हैं जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. थैंक यू सो मच नवनीत जी. और भी अभी एक फरमाइश की है मेरे भाई ने जैने, मैं जल्दी जल्दी उनके लिए मुझे एक फरमाइश पूरी करनी है तो उसके बाद मैं आपसे सुनूंगा एक गजल. नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, मेरा कोटा खत्म हो गया. यूं सजा चांद के छलका तेरे नाज करम, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज करम, यूं सजा चांद क्या बात है के छलका तेरे नाज करम, फजा में है कि के बदला मेरे हमराज करूं, सजाता के छलका तेरे अंदाज करूं. प्यारा शेर एक है इसका, है ये गजल है. एक सुख मार के फिर रंग तकलूं तेरा, एक सुख मार के रंग तकलूं तेरा, एक सुख नार के रंग तकलूं तेरा. इसका है मतलब एक सुखन मतलब होता है स्पीच बोलना, एक सुखन और के फिर रंगे तकलुम अंदाजे बयां, एक सुखन और के फिर रंगे तकल्लुम तेरा, हर्फे सादा को सादे हर्फ को, हर्फे सादा को इनायत करे जाज करम, हर्फे सादा को इनायत करे जाज करम, यूं फिजा में है कि के बदला मेरे हमराज करूं, सजा चांद के छलका तेरे अंदाज करूं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. क्या कंपोज किया था गुलाम अली खान साहब ने और आशा जी ने इसको गाया. अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल सुपर्ब. मराजे गजल. हाँ वो ही उसमें ही है ना ये. हाँ वो ही एल्बम. हाँ जी हाँ जी मराजे गजल का ही है. मेरा मराजे गजल का ही है. थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस वन. अभी 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 हमारे पास 5-6 मिनट टाइम नहीं है तो 5-6 मिनट में आप क्या गा सकते हैं वो बताइए. तसव्वुर का रिक्वेस्ट आया है. हाँ तसव्वुर से हम तसव्वुर से वी शुड फिनिश द महफिल आई थिंक. एंड मैं चाहता हूँ कि तसव्वुर से पहले आप कुछ तसव्वुर से पहले कोई अपनी पसंदीदा चीज कुछ सुना दीजिए आप अगर आपका मूड है तो. क्या ये क्या था. नहीं कंफ्यूजन है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं है क्या गाऊं. कोई भी एक चीज चाहे कोई स्थाई स्थाई सिर्फ सुना दीजिए. ओके गालिब साहब का वो सुनाओ ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी. एक है दिस इज संग बाय जगजीत सिंह साहब गालिब का ही. आई थिंक वी शुड स्टिक टू द थीम. डेफिनेटली
तो आई विल सिंग अ कपल ऑफ लाइंस फ्रॉम दिस. ओके. ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, अगर और जीत रहते, अगर और जीत रहते, यही इंतजार होता, न थी हमारी किस्मत तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर न जाए, कि खुशी से मर न जाते, अगर एक बार होता, न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, न थी हमारी किस्मत. क्या बात है, बहुत गालिब का और एक हो गया है. गलत जगजीत जी का कॉम्पोजिशन है और मैंने सिर्फ उनका एक लाइव वीडियो सुना है, लाइव इन सिडनी में उनका ये वीडियो सुना है. अच्छा. जिसमें इन्होंने ये परफॉर्म किया है. क्या बात है, मुझे आपने ये गाया जगजीत साहब का, वो मुझे भी आ गया यार. प्लीज गाइए. हजारों ख्वाहिश ऐसी निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले. निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. हजारों ख्वाहिश ऐसी क्या बात है, हर ख्वाहिश पे दम निकले. Amazing. By the way, the great, 1 minute, sorry to interrupt, the great
बीना माइस्ट्रो राजेश वैद्या जी जस्ट लॉग्ड इन एंड सेड क्या बात है टू जैज़िम. सो अच्छा बिग वाओ, बिग नमस्ते राजेश जी, वेरी नाइस टू सी यू हियर. थैंक यू सर, शुक्रिया, एवरी थैंक डे यू सो आई मच. लिसन टू यू एंड माय डे बिकम्स रिच बिफोर बिकॉज ऑफ योर म्यूजिक. एंड नाउ पूर्वायन एंड राजेश जी है, दे आर डूइंग अ ट्रैक टुगेदर. इसमें ऑल द ओह वाओ, माइस्ट्रोज आर देयर, यू नो, उश्लो शशांक जी, यू राजेश जी. So they are doing a collaboration. Thanks to lockdown, a lot of amazing artists happening. या या दोनों तो सब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ में लगे रहते हैं. अभी सोचने का मतलब absolutely बहुत सोचने लोग का वक्त है. सोच रहे और हैं. जिन अभी ये भी टेक्नोलॉजी, नमस्ते टू बोथ राजेश जी, थैंक यू. शुक्रिया क्या सर, है थैंक यू. आजकल अभी टेक्नोलॉजी का भी इम्पोर्टेंस जो अहमियत है समझ में आ रहा है. जिन लोगों के पास लॉजिक है और यू नो जिन लोगों के पास क्यूबेस है, बेसिक रिकॉर्डिंग का सेटअप और एक डिसेंट माइक है, घर में से ही प्रोडक्शन करके यू नो यू कैन पब्लिश इट. तो अभी डेफिनेटली यू नो आई थिंक आफ्टर दिस लॉकडाउन एवरी म्यूजिशियन विल बाय अ लॉजिक एंड स्टार्ट यू नो रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है थोड़ा टेक्नोलॉजी मालूम होना और अपने आप थोड़ा तो कम से कम यू नो बेसिक प्रोडक्शन करके यूट्यूब के लिए तो अपलोड कर सकते हैं. नहीं, जरूरी है, जरूरी है. और या आप, बहुत जरूरी है. और अभी मुझे अभी आया कि आजकल आई मैंने 5 मिनट लेट शुरू किया था, सो वी हैव 5 मोर मिनट्स नाउ. अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, हम तसव्वुर एक लास्ट में उनके लिए, जीशान भाई के लिए आप तसव्वुर, गा देते हैं, हाँ, क्योंकि वो अभी तसव्वुर का लेटेस्ट हम बहुत दोनों की सारे गजल लॉन्च हुई है, तो बहुत आप लोगों ने उसको प्यार भी दिया है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. जो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि आजकल अपनी चीजें निकालने में बड़ा डर सा लगता है, लेकिन लेकिन हम तो निकालते रहेंगे. वही. और जिन लोगों ने तसव्वुर अभी तक नहीं सुना है प्लीज जाके सुन लीजिए और तसव्वुर सर्च कर लीजिए यूट्यूब में. यू विल गो टू जैसिम शर्मा यूट्यूब चैनल जैसिम जी का और प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड लिसन टू आवर न्यू सिंगल. एंड पूर्वायन हैज आल्सो फीचर्ड इन इट एंड द ऑडियो इज अवेलेबल ऑन आईट्यून्स, स्पॉटिफाई, एमेजॉन, एवरीवेयर. जस्ट सर्च तसव्वुर. So, आज का महफिल आपका राजेश जी की एक फरमाइश है, दयारे दिल. अच्छा, यू शुड सिंग दैट. अच्छा, तो मैं तो नहीं गाती हूँ, बहुत बहुत दिन से. दयारे दिल की रात में जरा सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक तो दिखा गया, दया की रात में चरा सा जला गया. ये बहुत अच्छा लिखती भी है ये हमारी नायला जी. थैंक यू सो मच राजेश जी, आप इतना प्यार दे रहे हैं. और मैं बस ये लाइव के बाद मैं आपको सुनने वाला हूँ, तो बहुत ही आई एम ब्लेस्ड, कितने बड़े बड़े लोग हमें प्यार करते हैं. थैंक यू सो मच सर. और चलो जी, कौन सा स्केल है? एफ में बस नहीं, अच्छा नीचे कर लो, कम कर लीजिए प्लीज. जब तक तेरा नहीं, जत सबर तेरा नहीं होता, जिंदगी में मजा नहीं होता, जत सबर तेरा नहीं होता.
जब तसव्वुर तेरा नहीं होता। थोड़ा वाह, मुझे सुर दीजिए। अभी हो गया है, हमारा टाइम हो चुका है, अभी अपने आप ही कट जाएगा। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। तो ये कंपोजिशन है राम अवतार भाई की, और बहुत थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आज के इस प्यारी सी शाम गजल में शिरकत करने के लिए। आज का थोड़ा सा पता नहीं टाइम इतनी जल्दी कैसे बीत गए, घंटे का पता ही एक्चुअली नहीं चला यार। एक्चुअली ये है गजल का वो, थैंक यू गजल राजू की जी, शक्ति। ये गजल की शक्ति और ये कायम रखना चाहिए। और आपका तो हर दिन रोज लाइव होता है माइस्ट्रोस के साथ, तो नहीं बहुत नहीं अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आप थैंक यू खुद फॉर भी एक डूइंग मास्टर दिस ही हैं। आप यार। जितना राइट, अच्छा आप गा रहे हो ना, वो सब जोक। नहीं 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 चलो आप चलो ओके जी, थैंक यू थैंक आप सबका। यू सो मच। சூதாட்டமா என்ன இது? அப்படிங்களா? ரூபான்ற பேச்சே வேண்டாம், 50 ஓகே காயின். ஓகே, இட் வாஸ் ஃபன். தேங்க் யூ கோபி, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் இன். யா, தேங்க் யூ சுஜின், பை பை பாய். பை பை. டு திஸ் எவ்ரி நைட், ட்ரை அண்ட் ஜாயின் இன். வி ஆர் பிளேயிங் அட் 9 o'clock எவ்ரி நைட். சரி பா.